हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ये है ब्रू रेफ्यूजीज़ के बारे में। मुझे इसकी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही है कि मैं कोई वीडियो करूँ ब्रू रेफ्यूजीज़ के बारे में। तो बहुत से लोग मुझे बोलते ज़रूर थे पर वो मुझे कोई वीडियो का लिंक शेयर नहीं करते थे, तो मैं जो है कर नहीं पाता था। तो फाइनली मुझे एक सब्सक्राइबर ने, जो मुझे बहुत टाइम से बोल भी रहा है कि मैं कोई वीडियो पे रिएक्शन दूं, तो उन्होंने लिंक शेयर किया और ये स्टडी आईक्यू की वीडियो है। तो इस पर 100% मैं मतलब विश्वास कर सकता हूं कि ये वीडियो पे जो भी होगा वो सही होगा, क्योंकि डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर ने ये वीडियो जो है उनकी है और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव पर्सन है और वो जो भी अपनी वीडियो में बोलते हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बोलते हैं। तो देखते हैं ये क्या है पूरा मामला। वैसे इस वीडियो के टाइटल में है लिखा हुआ ब्रू रेफ्यूजीज रिफ्यूज टू रिटर्न टू मिजोरम, और ये वीडियो अभी की नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया ऐसे। पर जिन्होंने मुझे इसके बारे में बोला है कि मैं रिएक्शन दूँ, उन्होंने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था और बहुत ही कुछ मतलब बहुत बुरा हुआ था ब्रू लोगों के साथ। तो ये कुछ उसके बारे में कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, देखते हैं फिर भी क्या है वीडियो, फिर करेंगे अपनी बातें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ब्रू रेफ्यूजीज़ के मुद्दे के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि ब्रू रेफ्यूजीज़ ने मिजोरम जाने से फिर से मना कर दिया है। तो पिछले साल भी ये विषय चर्चा में था और अगेन ये 9th अटेम्प्ट है रिपैट्रिएशन का जिसे रोका गया है ब्रू रेफ्यूजीज़ द्वारा। वो मना कर रहे हैं कि हम मिजोरम नहीं जाएंगे। तो आखिर कौन है ये ब्रू कम्युनिटी के लोग, ये मिजोरम से त्रिपुरा क्यों आए थे और त्रिपुरा से मिजोरम जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राठौड.महिपाल, फेसबुक पेज है यहाँ पर, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे मुद्दे में, पहला है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। तो ये है मिजोरम और ये है त्रिपुरा, दोनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं भारत के। तो 9th राउंड ऑफ रिपैट्रिएशन सरकार ने चलाने की कोशिश की है, यानी रिपैट्रिएशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को फिर से अपने देश या अपने गृह राज्य या अपने घर भेजना। तो ब्रू समुदाय के लोग जो पिछले 22 सालों से त्रिपुरा में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, त्रिपुरा में रह रहे हैं, ओरिजिनली कहाँ से हैं, मिजोरम से हैं। तो मिजोरम से त्रिपुरा आए थे 22 साल पहले और अब त्रिपुरा से सरकार उन्हें कोशिश कर रही है कि फिर से मिजोरम भेज दिया जाए, रिपैट्रिएट कर दिया जाए। तो ये 9th अटेम्प्ट है, लेकिन सरकार ने फाइनल एक वार्निंग भी दी है कि इसके बाद कोई रिपैट्रिएशन अटेम्प्ट नहीं होगा, ये फाइनल राउंड है रिपैट्रिएशन का, इसके बाद आपको सरकार सहायता नहीं करेगी। फिर भी बहुत ही कम लोग मिजोरम जाना चाहते हैं, हार्डली 200 लोगों ने इस सरकार के ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो ये 1997 में, आज से 22 साल पहले, त्रिपुरा में आकर बस गए थे ड्यू टू सम एथनिक क्लैशेस। अभी आपको डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ था। ब्रू समुदाय भारत के इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों में आता है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDP वो होता है जो अपने ही देश में अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर है, लेकिन अपने देश से बाहर नहीं। और टेक्निकली ये रेफ्यूजी नहीं होंगे, क्योंकि रेफ्यूजी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, लेकिन लीगल डेफिनेशन इनकी रेफ्यूजी की नहीं है। लेकिन सारे हालात जो एक रेफ्यूजी फेस करता है वही इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन भी फेस करता है, वही रेफ्यूजी कैंप्स जैसे एरियाज़ में उसे रहना है, सरकारी मदद पे वो ज़िंदा रह सकता है। तो IDPs का इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीरिया के रेफ्यूजी। लगभग 70 लाख सीरियंस अपने ही देश में डिस्प्लेस्ड हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है लड़ाई के कारण। लगभग 60 लाख तो देश छोड़ के जा चुके हैं, 6 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज छोड़ के जा चुके हैं देश को, और 70 लाख यानी 7 मिलियन अपने ही देश में डिस्प्लेस्ड हैं। अब हम आते हैं ब्रू लोगों पर। ये ब्रू समुदाय या ब्रू ट्राइब कौन है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, इन्हें ब्रू कहा जाता है मिजोरम में, लेकिन त्रिपुरा में इनका नाम है रियांग। तो रियांग समुदाय या रियांग कम्युनिटी इन्हें कहते हैं। ये त्रिपुरा के 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से एक हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं, सेकंड लार्जेस्ट हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है ये त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में इनकी संख्या अच्छी है, लगभग 1.5 लाख के आसपास है। 2001 का जो सेंसस था उसके अनुसार 1.5 लाख से ऊपर इनकी जनसंख्या है रियांग समुदाय की, ब्रू समुदाय की त्रिपुरा में। लेकिन मिजोरम में इन्हें कहते हैं ब्रू।
और कुछ ब्रू समुदाय के लोग असम और मिजोरम में भी मिलते हैं। अब आते हैं मिजोरम पे। तो मिजोरम का ये मैप देखिए, इसमें जो उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है कोलासिब और ममित, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली ब्रू समुदाय के लोग रहते थे 97 के पहले। मेनली इन्हीं दो में थे, कुछ इसमें भी थे, लुंगले डिस्ट्रिक्ट में भी थे। मेनली 8 में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रू समुदाय रहता था। तो इन्हें मिजोरम छोड़ना क्यों पड़ा? 1995 में एक क्लैश होता है, छोटा सा क्लैश होता है मिजोस और ब्रूज के बीच में। मिजो कौन है? मिजो वो लोग हैं जो मेजॉरिटी हैं मिजोरम में। मिजोरम में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अपने आप को मिजो कहते हैं, और मिजो समुदाय मेजॉरिटी है, ब्रू वहाँ पर माइनॉरिटी में थे। तो मिजो एसोसिएशंस ने ये डिमांड करी कि ब्रूज को यहाँ के इलेक्टोरल रोल से हटाया जाए, यानी कि जब मिजोरम में चुनाव होंगे तो ब्रू समुदाय के लोग वोटिंग ना करें। ये डेवलपमेंट या डिमांड आई थी 95 में। एक छोटा सा क्लैश हुआ था दोनों समुदायों के बीच में, झड़प हुई थी और छोटी सी हिंसा भड़की थी। तो इसके बाद से ये डिमांड उठी कि इन्हें इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, इन्हें वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए। अब भारत में ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दें। तो 97 तक ये मामला इतना बढ़ गया कि 97 में एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या हो गई। आरोप लगा ब्रू समुदाय पे, वो मिजो था जो फॉरेस्ट गार्ड था। मिजो एसोसिएशंस जो थे उन्होंने ये कहा कि ये हत्या ब्रू समुदाय के लोगों ने करी है। और तब तक ये 95 के बाद की हिंसा के बाद दो ग्रुप बन गए थे। एक तो था ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट BNLF, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, हिंसक गतिविधियों से बदला लेने की कार्रवाई करता था। और दूसरा था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ब्रू नेशनल यूनियन, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करता था, या एक ग्रुप की तरह जो पॉलिटिकली ओवर द ग्राउंड ब्रू समुदाय के लोगों की डिमांड आगे रखते थे। तो ये आर्म्ड मूवमेंट 95 के बाद शुरू हुआ। और 97 में जब एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या होती है तो उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर हिंसा हुई। मिजोज ने ब्रूज को बहुत जगह मारना शुरू किया। BNU यानी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लेम करता है कि लगभग 1391 घरों को जलाया गया 41 गांवों में, और हजारों लोगों को मारा गया, और कई महिलाओं का बलात्कार भी किया गया। मिजोरम की पुलिस ने उस समय यह आंकड़ा बताया था कि 325 घरों को जलाया गया है 16 गांवों में, और कोई रेप या मर्डर नहीं हुआ है, ये मिजोरम की पुलिस ने दावा किया था। लेकिन इतनी बड़ी हिंसा को झेलते हुए ब्रू समुदाय ने तय किया कि वो मिजोरम में सेफली नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ही महीनों में मूव करना शुरू कर दिया और वो पहुंच गए त्रिपुरा। तो 37,000 ब्रू समुदाय के लोग जाकर बस गए त्रिपुरा में। अब हालांकि त्रिपुरा में पहले से ब्रू समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन त्रिपुरा सरकार अब इतने सालों से जब वो रह रहे हैं, 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो त्रिपुरा सरकार भी कोशिश कर रही है कि वो फिर से मिजोरम चले जाएं, क्योंकि उनका जो उनको ज़मीन देना रहने के लिए प्लस उन्हें सस्टेन करना, ये त्रिपुरा सरकार की जिम्मेदारी है और त्रिपुरा सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है ऑब्वियसली। तो ये जो रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं 20 सालों से, सरकार कोशिश कर रही है कि इनके लोग फिर से मिजोरम चले जाएं। तो 2009 में ये कोशिशें शुरू हुई थी कि पहली बार सरकार ने कहा कि हम आपको मदद करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प देंगे, मिजोरम में बसने में सरकार मदद करेगी, आप मिजोरम फिर से जाइए। 2009 से ये कोशिशें जारी हैं। 8 बार रिपैट्रिएशन किया जा चुका है, 8 फेजेस में सरकार ने कोशिश करी, 8 बार फेल हुए, क्योंकि 37,000 में से केवल 5,000 ब्रू वापस गए हैं मिजोरम, और उनमें से भी कई वापस लौट के त्रिपुरा आ गए। उन्होंने कहा कि एक तो वहाँ हमारे रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, और दूसरा हम फिर से इनसिक्योर हैं कि हमें आकर मार दिया जाएगा या फिर हमारे घरों को जला दिया जाएगा। अब 9th फेज ऑफ रिपैट्रिएशन चल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर में, तो 3 अक्टूबर को ये रिपैट्रिएशन शुरू हुआ था, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते में केवल 210 लोग हैं जो मिजोरम गए हैं त्रिपुरा से, यानी ये वाला फेज़ भी एक तरह से फेलियर है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम, MBDPF, इसका नाम याद रख लेना। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे ब्रूज के हकों की रक्षा करने के लिए काम कर रहा है और उनकी जो डिमांड्स हैं वो सरकार के सामने रखता है। 2018 में एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होता है। पिछले साल की बात है, जब ऑलरेडी 6-7 राउंड हो चुके थे रिपैट्रिएशन के, उसके बाद केंद्र सरकार ने पहल करी और त्रिपुरा मिजोरम दोनों राज्यों की सरकार के प्रतिनिधियों को, साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री और MBDPF को बुलाया, बिठाया और सबके साथ मिलकर एक समझौता साइन किया जिसको कहते हैं 4 Corners Agreement। इसमें इन्होंने तय किया कि जो बचे हुए 32,000 लोग हैं उन्हें त्रिपुरा से मिजोरम भेजा जाएगा। सितंबर 2018 की डेडलाइन तय करी गई थी। अभी क्या चल रहा है, 2019 अक्टूबर, यानी ये डेडलाइन तो फेल हो गई, आप समझ ही गए होंगे। एक्चुअली ये एग्रीमेंट काफ़ी सही था। इसमें फाइनेंशियल मदद की बात करी गई थी, पैकेज दिया गया था, सरकार ने लगभग 435 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया और कहा कि हर परिवार को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, 4 लाख रुपये दिए जाएंगे एक फिक्स अमाउंट एज अ सस्टेनेंस, लेकिन ये 4 लाख रुपये तब मिलेंगे जब आप 3 साल लगातार मिजोरम में रहते हैं, और 5,000 रुपये महीने के दिए जाएंगे कैश असिस्टेंस, और 2 साल का फ्री राशन दिया जाएगा। ये सारे जो वादे हैं केंद्र सरकार ने किए, और उम्मीद थी कि ये वाला रिपैट्रिएशन राउंड
सही जाएगा, इसमें सक्सेस मिलेगी सरकार को, लेकिन 2 ही हफ्ते बाद MBDAPF इस एग्रीमेंट से पुल आउट कर गया। उन्होंने कहा कि हमें ये शर्तें मंजूर नहीं है। मेन जो मुद्दा था वो ये था कि 3 साल बाद 4 लाख रुपए मिलेंगे। MBDPF और ब्रू समुदाय के लोगों का कहना था कि ये पैसे तुरंत मिलने चाहिए, अगर 3 साल बाद मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि मिले या ना मिले, और 4 साल या 3 साल बाद हमें इसका कोई उपयोग नहीं है, हमें तो वहाँ जाते ही पैसा चाहिए, हम अपना घर बिजनेस कैसे सेटअप करेंगे, हमें ये पैसा अभी चाहिए। तो सरकार ने कोशिश करी मनाने की या फिर कुछ नियम कायदे चेंज भी करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। फिर कुछ और भी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों की बात पर लोगों ने जाने से मना कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा था सिक्योरिटी। ब्रू समुदाय ने कहा कि आप हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी को गारंटी कीजिए, कि ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद फिर से हमारे गांव को जलाया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट डिमांड थी कि हमें जहां आप भेज रहे हैं वो ज़मीन पहले वेरीफाई करो कि वहां पर कौन है। लेट्स से रैंडमली 15 परिवारों को एक गांव की ज़मीन दे दी गई कि आपको वहां जाकर बसना है। अगर वो 15 परिवार उस गांव में पहुंचते हैं मिज़ोरम में और देखते हैं कि वहां तो मिज़ो लोग रह रहे हैं और वो खाली नहीं करेंगे अपनी ज़मीन, तो फिर क्या होगा? तो अगेन क्लैश होने का डर है, फिर से हिंसा भड़कने का डर है। तो सरकार पहले ज़मीन को वेरीफाई करे और फिर हमें अलॉट करे। एक और बात कि हमें अलग अलग जगहों पे ना भेजा जाए, हमें एक साथ एक गांव में भेजें या फिर एक ही जगह हमें अलॉट कर दो कि इस डिस्ट्रिक्ट में या इस सब डिविज़न में आपको रहना है, ताकि हमारी रिस्क कम हो, हमारी अनसर्टेनिटी ना बनी रहे। देखो भीड़ में सिक्योरिटी होती है, जब सारा समुदाय एक साथ रहेगा तो उनकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, और ये वाजिब डिमांड है मेरे अनुसार। और यही प्रॉब्लम कश्मीरी पंडितों के साथ भी है कि सरकार चाहती थी कि कश्मीरी पंडित एक जगह इकट्ठा ना हो, पूरे कश्मीर घाटी में उनको रिपैट्रिएट किया जाए, लेकिन यहाँ पर वो प्लान फेल हो गया था। खैर वो किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, बट मेन जो डिमांड्स हैं वो ये हैं कि एक तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, हमें पेमेंट एक साथ दीजिए और एक जगहों पर बसाइए क्लस्टर ऑफ विलेजेस में, और फाइनली सबसे बड़ी डिमांड कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, ब्रू ऑटोनोमस काउंसिल या ब्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट स्थापित किया जाए, जैसा कि 6th शेड्यूल में पावर दिया गया है। 6th शेड्यूल में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों में ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं, कई ऑटोनोमस काउंसिल्स बनी हुई हैं। तो ब्रू समुदाय कह रहा है कि जैसा दूसरों को मिला है वैसा ही हमें ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा मिले, ताकि हम अपने एरियाज़ की या अपने गाँव की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, थोड़ा सा हम उसमें ऑटोनोमी ला सकें और हमें सिक्योरिटी महसूस हो। तो ये ऑटोनोमस काउंसिल वाली जो डिमांड है, ये तो मिज़ोरम सरकार ने तुरंत रिजेक्ट कर दी, कई बार रिजेक्ट कर दी है। तो इन लोगों का कहना है कि जब तक ये डिमांड एक्सेप्ट हमारी नहीं होती, तब तक हम पूरे तरह से मिज़ोरम में सेटल नहीं हो सकते विद सिक्योरिटी। अब आते हैं लेटेस्ट प्रोटेस्ट पे। तो अभी पिछले हफ्ते ये हुआ था कि एक महिला की हत्या हो गई थी, वो महिला थी ब्रू और उसका जो हस्बैंड था वो था मिज़ो। तो मिज़ो में वो महिला मिज़ोरम जाके रह रही थी, लेकिन उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। अब ये मामला देखने को पारिवारिक लग रहा है, लेकिन अब इसे एक पॉलिटिकल टोन दिया जा रहा है। ब्रू समुदाय के जो ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि पहले इस महिला की हत्या की जांच करवाई जाए, मैजिस्टीरियल प्रोब बिठाया जाए, पुलिस ढंग से जांच कर नहीं रही है, उसे जिंदा जला दिया गया था, और ये ब्रू के खिलाफ हिंसा है, ना कि केवल एक महिला के खिलाफ। तो इसी मामले को लेकर ब्रू समुदाय की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, हज़ारों महिलाएं सड़क पे थी, और जो बसेस भेजी गई सरकार द्वारा इन्हें मिज़ोरम ट्रांसफ़र करने के लिए, उन बसों में चढ़ने से इन्होंने मना कर दिया। तो अभी लेटेस्ट जो रिपैट्रिएशन अटेम्प्ट है वो इसके कारण फेल हो रहा है या अभी रुका हुआ है। तो देखना होगा आने वाले महीनों में या आने वाले साल में कि कैसे सरकार इन्हें मनाती है फिर से मिज़ोरम जाने के लिए। स्टडी IQ का प्रीमियम कॉन्टेंट। ओके, तो ये सारा का सारा इशू है। तो मिज़ो लोगों ने ब्रू लोगों को भगा दिया, जैसे कि वीडियो में है बताया हुआ, और ब्रू लोग बहुत ही बड़ी जनसंख्या में त्रिपुरा में सेटल हैं, और उन्हें त्रिपुरा में रियांग कहा जाता है, मतलब जो है तो बड़ी फेमस एक सिंगर हैं त्रिपुरा की, पमिता रियांग, वो भी मतलब ब्रू हैं एक। ओके, तो बहुत ही दुख बड़ी दास्ता है कि भाई अपने ही स्टेट से निकाल के दूसरी स्टेट में एज अ रेफ्यूजी रहना पड़ रहा है। तो मैं सोच भी नहीं सकता कि किस हालत में रहना पड़ता होगा किसी दूसरे स्टेट में। सही में यार, और प्लस सिक्योरिटी का बहुत इशू, पर इतना जो मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो जो था कि जो लोग डिमांड कर रहे थे कि इलेक्टोरल राइट्स जो हैं ब्लू लोगों से ले लेने चाहिए, वो क्यों इतनी नफरत क्यों उनसे ब्लू से? वैसे
मुझे इसके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस की रिक्वेस्ट आई है, अलग अलग वीडियोस की। और इस वीडियो से तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि मिजो लोग जो हैं वो ब्रू लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मतलब क्या क्या इतना था रीज़न कि वो उनसे इलेक्ट्रोल लाइट्स जो थे वो लेना चाहते थे, क्या एक्चुअली में क्या था। मेरा एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे जो वजह बताई वो थोड़ा रिलीजियस था, पता नहीं मुझे नहीं आइडिया कि वो क्या था। और उन्होंने मुझे जो वीडियो भेजी है वो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस पर भी एक्शन दूँ, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद उसी वीडियो पे एक्शन देता हूँ, शायद मुझे मालूम पड़ जाए कि क्या मतलब ये जो नफ़रत है दोनों टाइप्स के बीच में वो क्यों है। जो भी हुआ दो लोगों के साथ वो बहुत बुरा हुआ, बेचारे 22 साल से ऐसे रिफ्यूज़र की तरह रह रहे हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब होगी। अब वो इतने डरे हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 9 बार ट्राई कर चुकी है और कि उन्हें वापस सेटल किया जाए, पर वो जाने से डर रहे हैं, बहुत कम ही लोग वहाँ पर वापस जो है मिज़ोरम में गए हैं। और जो भी उनकी डिमांड है वो बिल्कुल सही है, पर जो एक डिमांड थी कि 3 साल के वो गवर्नमेंट ने जो एक प्रपोजल दिया था कि 3 साल के बाद 4 लाख रुपए मिलेंगे, वो शायद वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये था कि हम आपको 4 लाख रुपए देंगे अगर आप त्रिपुरा से जाके मिज़ोरम में 3 साल रहोगे। तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वो 3 साल तक वहाँ पर मिज़ोरम में है, तो वो अब वहाँ पर सेटल हो गए। तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में ये था, या फिर उनके दिमाग में ये था कि अगर हमने शुरू में ही जो है पैसे दे दिए और वो मिज़ोरम गए और हफ्ते बाद ही अगर वापस आ गए उनको वापस सही नहीं लगा तो गवर्नमेंट के 4 लाख रुपये वेस्ट हो जाएंगे, शायद उनके दिमाग में कुछ ऐसा होगा। शायद इसलिए उन्होंने ये जो है एक पॉइंट रखा कि 4 लाख रुपये मिलेंगे पर जब आप 3 साल मिज़ोरम में रह लोगे तब। और वही जो ये एक ब्रो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी बात भी सही थी कि भाई 4 लाख रुपये 3 साल के बाद मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से त्रिपुरा से मिज़ोरम जाएंगे तो उनको जो है तुरंत पैसे की जो है ज़रूरत होगी। और जो उनकी एक डिमांड है कि भाई सबको एक साथ एक ही विलेज में जो है बसाया जाए, वो डिमांड भी बिल्कुल सही है, पर मिज़ोरम की जो गवर्नमेंट है वो नहीं मान रही है। पता नहीं मुझे अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया कि उन क्यों है दोनों दोनों ट्राइब्स के बीच में नफ़रत क्यों है। शायद उस वीडियो से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, तो नेक्स्ट रिएक्शन उस पर आएगा। चलिए मिलते हैं आप उस वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।